अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। इसी तरह आज मैं आपके साथ एक बहुत मज़े की क्विक एंड डिलिशियस मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसको खाने के बाद आप भी बोलेंगे कि वाओ मज़ा आ गया। बहुत ही मज़े की मैक्रोनीज की रेसिपी है ये, और इसमें आपको चिकन भी नहीं ऐड करना। ये सिंपल सी वेजिटेबल वाली मैक्रोनीज है, और जब आपके घर में आपको लगे कुछ भी नहीं है और आपका दिल कर रहा है, क्रेविंग्स हो रही हैं आपको मैक्रोनी खाने का, आपका दिल कर रहा है, तो ज़रूर ट्राई करना। ये मेरी लाइक फेवरेट रेसिपी है, इसको मैं अपने लिए तो लाजमी बनाती रहती हूँ। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इधर यहाँ पर मैंने मैक्रोनीज बॉयल होने के लिए रख दिए थे। इसमें मैंने 2 कप्स मैक्रोनी डाले हैं, 2 कप मैक्रोनी है, 1 चम्मच नमक का है और 1 ही चम्मच ऑयल का मैंने इसमें डाला है। मैं ये कुछ वेजेज हैं, वेजिटेबल्स में अनियन है और कैप्सिकम है, प्याज और शिमला मिर्च और थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ा सा इसमें लहसुन भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चिप्स को फ्राई कर लेना आपने। चिप्स हमारे अलग से फ्राई हो रहे हैं और वहाँ पर हमारा पास्ता भी जो है वो बॉयल हो रहा है, तब तक हम इस फ्राइज को जो है वो फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। और पास्ता भी बॉयल हो रहा था और हमारा पास्ता भी रेडी हो गया था यहाँ पे बॉयल होकर। आपने क्या करना है कि पास्ते में से 1 कप जो है ना उसका वाटर, वो आपने साइड पे रख लेना है, क्योंकि उसमें हम फिर जब मसाला बनाएंगे तो उसमें हम उसको डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून इसमें बटर ऐड किया है, ठीक है। ऑयल में ही, उसी ऑयल में आपने थोड़ा सा बटर ऐड करना है। सिंपल जो आपके घर में मक्खन पड़ा होता है आप उसको ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, वो आपको जब बनाओगे तो आपको फील होगा कि यार वाकई टेस्ट आ रहा है। फिर आपने उसमें गार्लिक डालना है चॉप्ड हुआ हुआ, सही है। उसमें आपने चॉप्ड हुआ हुआ गार्लिक डालने के बाद थोड़ा सा आपने, जब आपको फील होगा कि आपको बटर और जो लहसुन की खुशबू आ रही है, देन फिर आपने उसके बाद फिर आपने इसमें ग्रीन चिलीज़ को ऐड करना है, ठीक है। उससे भी क्या होगा कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। मुझे ग्रीन चिलीज़ पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, और मुझे थोड़ा स्पाइसी भी पसंद है तो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपको स्पाइसेस नहीं पसंद तो आप ग्रीन चिली को स्किप करके इसमें जो है ना वेजेस डाल देना। उसमें मैंने अनियन लिया है और शिमला मिर्च लिया है, प्याज और शिमला मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ। जो वेजेस आपके घर अवेलेबल हो आराम से ईजीली आप वो ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद इसको आपने हिलाना है, थोड़ा सा फ्राई करना है, सौते करना है इसको। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आपने जो हमारे पास पानी पड़ा हुआ था, मैंने आपको बोला था बॉइल्ड मैक्रोनी में से, वो हमने इसमें ऐड करना है, ठीक है। 1 कप जब थोड़ी सी क्रिस्पी क्रिस्पी सी वेजेस हो जाए, फिर आपने ये वाटर ऐड करना है और थोड़ी देर इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसमें स्पाइसेस डालने हैं। स्पाइसेस मैंने एक बाउल में मिक्स कर लिए थे, उसमें था नमक था, आप अपने हिसाब के मुताबिक डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें रेड चिलीज थी और ब्लैक पेपर था, काली मिर्च थी, और यहाँ पे मेरे से एक स्किप हो गया क्लिप जिसमें मैंने शुगर ऐड की थी। 1 टेबल स्पून आपने शुगर का ऐड करना है। और उसके अलावा मैंने सॉसेस को भी एक बाउल में मिक्स कर लिया था, उसमें सिरका था, सोया सॉस थी और चिली सॉस थी, सिंपल 3 सॉसेस थी, उनको भी आपने डाल के इसमें मिक्स कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि इतना, मतलब इसका कलर चेंज होने लग गया, ये बहुत सॉसी सॉसी सा हो जाएगा। और जब आप इसको, अब जब इसको देखेंगे आपको ख़ुद भी फील होगा कि ये थोड़ा सॉसी सॉसी सा हो गया, क्योंकि हमने इसमें पास्ता वाला पानी ऐड किया है, तो उस पानी से इसका जो है वो टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा, एक इसमें फ्लेवर आ जाएगा उस पानी की वजह से। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत सॉसी सॉसी सा हो गया। जब इस पॉइंट पे ये आपको फील हो कि आपका जो पे ये वाला सॉस है ये थोड़ी सॉसी सी हो रही है, तो देन हम इसमें ऐड करेंगे अपने जो हमने फ्राई किए हुए आलू थे, हमने जो फ्राई किए थे वो वाले आलू हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं इसमें आलू ऐड करूँगी, थोड़ा सा आलू मैं बचा लूँगी ऊपर टॉपिंग के लिए, और बाकी सारे हम इसमें आलू जो है वो फ्राई करे हुए किए हुए डाल देंगे, ठीक है। मुझे तो ये देख के अगेन से फिर से भूख लग गई है, सच में बहुत मज़े का पास्ता बना था ये, आप भी ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आप मेरी बाकी सारी वीडियोस भी देखें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को भी देखें। तो इस पॉइंट पे हम जो है वो मैक्रोनीज़ को ऐड करेंगे, और मैक्रोनीज़ ऐड करने के बाद हम, आप देख सकते हैं कि कितने मज़े के हो गए। आपने मैक्रोनीज ऐड करके जस्ट इसको मिक्सअप करना है और आपने जो है इसको प्लेट में निकाल लेना है।
और आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा मज़े के बने। इसके साथ एक सॉस तैयार कर लेंगे, उसमें हमने 2 टेबल स्पून मायोनीज़ यूज़ किया है और 3 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस, लाइक चिली गार्लिक वाली जो केचप होती है वो वाली केचप डाली है और मिक्स की, और इसका टेस्ट इसके साथ इतने मज़े का लगता है कि बहुत ज़्यादा। आप ट्राई करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना मज़ा आता है। सो इसके साथ ये वाली सॉस डाली और साथ में इसका एक बाइट लिया और बहुत मज़े का था ये सच में। ये बिल्कुल सिंपल है और बहुत इजी क्विक रेसिपी है, लेकिन मज़ा आ जाता है खा के। उम्मीद है कि आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे और ट्राई करके मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।